तोहरा चक्कर में भाइल बा बहुते पिटाई सुहाग रात में आज बड़ी मजा आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ हम यौवन चाहे तवल लगा सकता नहीं। अरे हम तुहार पति है। पति? कौन पति? कोई देखा आज बिया भइल और आज पूछा दिया कौन पति अभी बताओ तानी। खबरदार जो दोबारा अपनी जुबान से ये बात निकाली। तुम तो मेरे पति तो क्या मेरे नौकर बनने के भी काबिल नहीं हो। समझ में आ गई मैडम कि तुहरा मन में हमरा खातिर काबा, लेकिन अब जो हम कर तोहरो समझ में आ जाए। मिस किरण खन्ना ठीक है ना भाई जी? हाँ। बंगलो नंबर 203 हाँ। पाम स्प्रिंग गोरेगांव वेस्ट मुंबई 104। निरुआ कोर्ट का नोटिस। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस किरण यादव। एक्सक्यूज मी, किरण यादव नहीं किरण खन्ना हूँ। किरण खन्ना तो आप पहले थी, मेरे मुवक्किल से शादी करने के बाद आप किरण यादव हो गई है ना? लेकिन मैं इस शादी को शादी नहीं मानती। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। अपने पूरे होश हवास में अपनी मर्जी से शादी करने के बावजूद ये कह रही है कि ये शादी को मैं शादी नहीं मानती, जबकि इसका पुख्ता प्रमाण ये है, ये मैरिज सर्टिफिकेट। क्या इस प्रमाण पत्र में किए गए हस्ताक्षर आपके नहीं हैं? यस सर, लेकिन मुझे फंसाया गया है। किसने फंसाया है आपको? मिस्टर मुखर्जी ने जज साहब। मिस्टर मुखर्जी को कटघरे में बुलाया जाए। नहीं नहीं जज साहब, ये शादी तो इन्होंने अपनी मर्जी से की है, जिसके गवाह है इनके दोस्त मिस्टर रॉकी। हाँ तो बताइए मिस्टर रॉकी, क्या आप इनको जानते हैं? यस, शी इज माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपने इनकी शादी मेरी मुवक्किल निरहुआ कुमार यादव से क्यों करवाई? मतलब आप नामर्द हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं मिस्टर रॉकी। जैसा इनको पता नहीं है मैं रोज सुबह 2 लहसुन खाता हूँ। इसीलिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी मेरे मुवक्किल ये देसी मर्द निरहुआ कुमार यादव से करवाई, ये सच है या नहीं? जैसा मैंने इस वजह से थोड़े ना शादी करवाई। तो किस वजह से करवाई है? मिस्टर मुखर्जी के कहने पे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं किरण को 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी साहब, इसलिए मैंने शादी करवा दी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं सर, मिस्टर रॉकी ने कहा था कि आप किरण को 1 करोड़ दोगे, आप मुझे भी 1 करोड़ दीजिए, मैं किरण को राजी करा दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। मिसेस किरण पे इंडियन पिनल कोड की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 420 का भी केस बनता है। अरे बाप रे बाप! क्या करता है? माय बाप! गांव के सीधा साधा लड़का के साथ इतना बड़ा छल! माय बाप! हम जिए करेंगे जात माय बाप, हमके इच्छा मृत्यु को वरदान दे दी। हाँ भाई, क्यों के लगे जा रो के तब के दे दो भाई, हम पी के मर जाए। वकील साहब, हमके किरासत तेल लिया के दे दो, हम जर के मर जाए। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अरे ड्रामा ना जज साहब, गोला चार पति के फरियाद। अब हम कौन बोले के अपना गावे जाइब? अब अगर हम गावे जाइब तो अपन मेहरारू के लेके जाइब, ना तो गावे हमार लाश जाई जज साहब। अब हमार जीवन और मरण सब आपके फैसला पे निर्भर बा जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर निरहु, ये अदालत है, आप अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखिए और अपने जगह पे जाके बैठिए। ठीक बा। ऑर्डर ऑर्डर, इस केस की सुनवाई आज पूरी हुई, अब इस केस का फैसला अदालत दिनांक 23 अप्रैल 2017 को सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पैसे के लालच में किरण खन्ना ने निरहु कुमार यादव से शादी की और पति पत्नी के संबंध को मजाक बनाया, जो कानून के साथ साथ समाज के लिए भी अपमानजनक है।
इसलिए अदालत हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 के तहत किरण खन्ना को आदेश करती है कि एक साल तक निरहु कुमार यादव के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें। एक साल के बाद अगर ये चाहें तो अदालत में तलाकनामा दायर कर सकती हैं। और ये अदालत निरहु कुमार यादव को सचेत करती है कि किरण कुमार से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। एकदम नहीं करेंगे माई बाप, बस ही मत करें हमारे साथ में। और साथ ही साथ ये अदालत पुलिस प्रशासन को आदेश देती है कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को एवं राकेश कुमार उर्फ रॉकी को तुरंत हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, हैंड्स अप। डार्लिंग, तुम किधर? अगर किसी ने भी बचाने की कोशिश की तो इसे जान से मार दूंगा। रुके, छोड़ो मुझे। ओह माय गॉड। शट अप। गुड शॉट। गुड शॉट। चल, छोड़ो मुझे। छोड़ो, ले जा। का करे जा? अब तो चला ही के पड़ी। चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। अरे बेटा, कितना दिन बाद तोरा के देखा थी बचवा। प्रणाम चाचा जी। कार कुनरवा, बढ़िया कैलीस की नलायकों के मुंबई में नौकरी लगा दे ली। ये क्या बेटा? तुहार बहु रानी। बहु रानी। अच्छा, नहीं, अच्छी है, अब बहुत अच्छी है। अरे बड़को, छटको कहाँ पड़ी आवाज जल्दी सरे, हमार पतो है, बहु रानी आइल बड़ी। अरे भौजी, भाभी, अरे हम तोहर देवर है। Shut up and stop all this nonsense. मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए आई हूँ। एक साल रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। और खबरदार, अगर किसी ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। नीरू, अब जी मैडम, मेरा कमरा किधर है? मैंने पूछा मेरे लिए कमरा किधर है? हाँ, ये घर में तुम्हार कौनो कमरा नहीं थे। हाँ, ये घर हमारा है। अब हमारा मतलब हमार ना, तो ठीक बा, हमारी हिस्सा बांट दा। का का कह ले है तू? बांट दी? ससुर जो ने छपरा मारा तब हिस्सा मांगल बुला जाएगा। इसके कैसे मारब जी? काहे के मारब? ई घर हमार, ई घर के मालकिन हम, तो हमार कमरा हमरे बेटा का कमरा। जा बेटा, जा जा हमरे कमरा में, जा जा जा। आई मैडम, जा कमरा में जा। हम हो जाते नहीं। तय कहाँ रे? मैडम जी के लगे। मैडम जी के लगे? हाँ, तू नहीं। अरे बाप, ना 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 ना, घर है जाता नहीं। अरे बाप रे बाप, कहाँ फंस गई नहीं? हमरा मना करे के बाद भी घर में घुसा दे लो। अरे हमरा तो कहूँ ना जते नहीं थे। और ना तका, और ना तका, और ना तका, कहूँ ना तका बे। भाग यहाँ से, चुप, भाग यहाँ से, भाग जी। कहाँ? यहाँ वा। बोली? जब वो बेशरम लड़की खुद के घर के बहू मानते नहीं के, तकाऊ ना हक से यहाँ रही। हमार बंस बढ़ावा खातिर जी। अरे एक साल के बाद जाए वाली बिया, ओकरा से तू बंस बढ़ावे के उम्मीद लगावले बड़ो? इतना बड़ हो गई नी, यो नहीं के पता कि लड़का होके खातिर खाली 9 महीना चाहला, सालों भरना। अरे जब वो निरहुआ के अपन पति मानते नहीं के, तो 9 महीना आपका 9 साल में भी कुछ ना हो। काहे ना हो जी, कैसे ना हो, जरूर हो। एक बात बताई, जब हमार लड़का और शहरी लड़की के मुंबई शहर से उठा के गांव में लिया सकेला, तो अपने छोट 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 बच्चन कमाई काहे ना बना सकेला? जरूर बनाई जी, हमरा के अपना बेटा पर भरोसा बा। देख ले भाग यहाँ से, देख ले। चाचा, तोरे घर क्यों आई बा?
क्या हर है? पता नहीं के मैं किरण का डैडी हूँ। आई बैठी। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? पापा, पापा। किरण बेटा, ये तूने क्या किया? अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती सुधारने के लिए मैं आ गया हूँ। निरहुआ कहा है? अरे ससुर जी प्रणाम। Shut up! मुझे ससुर जी नहीं, साहब जी कहो। राजा का मुकुट पहनने से कोई भिखारी राजा नहीं बन जाता। और भिखारी की क्या औकात होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बोल, मेरी बेटी को छोड़ने की क्या कीमत लोगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। सौदेबाजी बाजारू समान कोला साहब, किरण हमारी पत्नी है। तुम जानते भी हो 10 करोड़ की कीमत क्या होती है? रहुआ जाना था नहीं है वो पत्नी की अहमियत का होला? 10 करोड़ से तुम्हारा पूरा घर बदल जाएगा और इनका से हमारा पूरा जीवन संवर जाएगा। 10 करोड़ को ठुकराना तुम्हारी बदनसीबी है और इनके साथ रहल हमार खुश नसीबी है। तुम ये भूल रहे हो कि किरण यहाँ जीवन भर के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए आई है। रउआ ही भुला था नहीं कि 1 साल में 365 दिन होला और जिंदगी 4 दिन की। आपका बेटा बावला हो गया है, बावला। नफा नुकसान के बारे में इसे कुछ नहीं पता, लेकिन आपने तो जिंदगी को करीब से देखा है, जरा समझाइए इसे। साहेब, नफा नुकसान तो व्यापार में देखल जाला, परिवार में ना। परिवार में तो मान, मर्यादा और प्यार देखल जाला। घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना तुम्हारी बेवकूफी है, बेवकूफी। हमरा घर के लक्ष्मी राउर दौलत ना, हमार मैडम जी है साहेब। सिर्फ 1 साल, 1 साल के बाद ना तुम्हारे पास ये दौलत होगी ना मैडम जी, इसलिए मेरी बात मानो। ये दौलत ले लो और किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके चैन से अपनी जिंदगी गुजारो। हमरा पता बा कि 1 साल बाद ही हमरा के छोड़ के चल जी, लेकिन आपके बता दी कि इनका गैला के बाद भी हमरा जीवन में इनकर जगह क्यों और ना ले पाई। वैसे तो हमनी के संस्कार ना हा कि द्वारी पर आयल मेहमान के जाए के कहीं, बाकी रवा एगो मेहमान की हैसियत से ना, एगो खरीदार के हैसियत से आयल बानी। यही से हमरा के ई कहे के पड़ता कि आपन ही कागज के टुकड़ा उठाई और उल्टे पांव निकल जाएं। आज तक मैं केवल पैसों की अहमियत जानता था, लेकिन आप सबके विचार जानकर मुझे रिश्तों की अहमियत भी समझ में आ गई। एक बाप होने के नाते मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी बेटी सही और सुरक्षित जगह पर है। बेटी, उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं यहां आऊं तो मुझसे बेटी के रूप में नहीं, इस घर की बहू के रूप में मिले। मेरी वजह से आप लोगों के दिल को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, चलता हूं। संधि जी, रवा कुछ भूलत आनी? गिरधारी भैया बाहर निकला है, गिरधारी भैया बाहर निकला। अरे टेंगड़ा, है बारात लेके यहाँ का है आइल बाड़े? हमें यह भवदीन भाई ना आइल बानी, हम तो यही पूछे आइल बानी कि जोन पतो विदा करा के लिया आइल बाड़ा, वो कौना कोठा से लेके आइल बाड़ा।
है चाचा। ए टेंगड़ा, आपन गंदा जबान के लगाम दे, वो हमार पतो हा। पतो? अरे दुद्दू को पतो तो बाड़ी घरवा में है भैया, ये कवन ने का दिया इनका पतो लेके आज बाड़ा तू है? न मांग में सेनूर, न लीलाद में टिकुली, न गला में मंगल सूत्र, न हाथ में चूड़ी, न गोड़ में छागल, न आँख में काजल है। ए पारस, हमार पतो चाहे जैसे रहे, अरे तोर कहे करे जा पता। अरे कहे न बात ही है भौजी, खानदान देख के नुभा, इज्जतिया तो हमरो नु जाई। ए चचा, हाँ, जब बिता बिता बेच के दारू पी गईला तब न खानदान की इज्जत जात रहे। हाई देखा है, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे और लंगटा गांव भर कपड़ा बांटे। ए पंच लोग, बुलाई इनका पतो के और नीमन बाउर जवन फैसला हो रउए लोग करी बुलाई। रे टेंगड़ा, हमार बेटी पतो है पर्दा में रह ले। अरे का भैया, दाई से पेड़ छुपा होता रहा है? अरे तोरा के बतावा, अगर पतोया आ गई ला तो सारा पोल खुल जाई, पूरा गांव के सामने बेइज्जती हो जाई। हाँ बाबू, अरे क्या मुंह तक आ रहे बंद कर रहे, अरे मुंह तक आ, अरे बंद कर, अरे बंद कर रहे कमरे मुझ में बंद कर, अरे मारा मारा बंद कर रहे। तू ही तो काले राला चचा की निरहु भैया का ब्याह हो जाई तो हम मुंह पे मुतवा ले। और न तका जिया नंगा राजकुमार। अरे हमार औलाद ना बुझाता के कर बाड़े रे बहुत कूटब। अरे हटा, अरे अपने औलाद बा, अपना घर में तो तुहार चूल्हा जलाओ के औकात नहीं के और दूसरा के घर में आग लगावाइल बड़ा। ए दीदी, ए भैया, अरे ई निर्लज के तरफ से हम माफी मांगा तानी रउआ लोगन से, इनका के माफ कर दी, माफ कर दी। चाचा का खत्म खेला, चाची निकाली तेला। और न तका बेटी, आज तो हमरा घर के लाज रख लेलू, तोहरा के बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी, ये मेरा भी तो घर है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी कि मैं इस घर की लाज हमेशा बचा सकूं। जुग जुग जिया बेटी, सदा सुखी रहा।
पर गईल जियावा में दियावा हमरे जिंदगिया के हो हमरे जिंदगिया के बागीचा कबलू बतावा जा बतावा जा बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना लक्षणदार बहु हाउ लक्ष्मी निया देवर जी के बाड़ तू तो सपना के रानी पढ़ की बहिन नियन बाड़ वे जेठानी हमारे निरहुआ के हो हमारे निरहुआ के भगिया जगवन बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना दुल्हन कितना सुंदर लगा तारू एकदम हिंदी फिल्म के हीरोइन जैसन दुल्हन एगो बात कही आपन सुहागरात के सपना तो हर लड़की सजावेली लेकिन तुहार सुहागरात के सपना सिर्फ तू ही ना ये पूरा परिवार सजाई ले बा मैं कुछ समझी नहीं हमार कह के मतलब ई बा कि हमरा के और छुटकी के नसीब में भगवान माई बने के सुख तो देवे ना कैलन यही से ई खानदान के वंश चलावे के पूरा जिम्मेवारी तोहरा पे बा बड़की भाभी हाँ रवा के माई बुलावत आरी अच्छा चला बता हाँ। मंजली भाभी हाई ली राउर मोबाइल अरे वाह मंजली भाभी के तने रहू भैया बहुत प्यार करी ले अच्छा तोहरा के कैसे पता बा कैसे पता का जेकरा हाथ में मेहंदी खूब लाल होला मतलब कि ओकर मरद ओकरा के बहुत प्यार करी ले अच्छा तोहरा मरद मेहरारू के प्यार खूबे पता चलता हाँ लगता भैया से बात करके तोहरो हाथ में मेहंदी लगवाही के पड़ी अच्छा मजलू हम अबे आवतानी हाय सोनिया जो की रात रउआ के ने अरे बिमला अरे कहाँ जाता रे अरे वो दूध देवे चाची ना अच्छा निरहुआ लगे हाँ देखी तो अरे रे 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 ये तो पानी नहीं दूध बाटे आए तने मलाई डाल दे के चाटे आज जोकर सुहाग रात बाटे जो मलाई लेके आओ जो 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 दीन हम डाले अरे राह देना हमरे लगे तू जो ना हम भाई ना मलाई बढ़िया से लेके आओ जा जा ठीक बा जा ईला चाची आप ता खुश ना हाँ हाँ पकड़ा जा बहुरिया से कह दियो कि जरूर पिया दे जा हाँ हम एकदम में कह दे जा 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 दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है अरे तू तो नाराज हो गई लो बड़की भौजी के चलते थोड़ा लेट हो गया सॉरी अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो उसी सच्चे प्यार का वास्ता ये तुम्हारे और मेरे बीच की लक्ष्मण रेखा है इसे कभी पार मत करना लेकिन कहे किरण
तरफ तू हमके प्यार के वास्ता देता रू और दूसरे तरफ करीब आवे से रोका था का है? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और पूरी जिंदगी नफरत करती रहूंगी। लेकिन किरण, अमर कसूर का तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुमने मुझसे प्यार किया। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने प्यार पर? मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। तुम्हारी बीवी होकर तुम्हें बीवी का सुख नहीं दूंगी। तुम मुझे महसूस करोगे लेकिन छू नहीं सकोगे। तुम मुझे देख सकोगे लेकिन पा नहीं सकोगे। रुलाऊंगी, तड़पाऊंगी, तरसाऊंगी, यही सजा है तुम्हारी। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। अरे कुलचनी, अरे ये हमारा घर है, हमारे बेटा का घर है, देखो नहीं निकाले वाली रे, है? तोरा के तोरा औकात बताओ था नहीं हम, चल, जो उन गाय दूध न दे, वो माटी में जाए, करो रिश्ता देखे तोरे घर से, निकल यहाँ से। ए बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? हाँ, तेरा एक पैर शमशान के बाहर और दूसरा पैर चिता पर, तो तुझ में इतना रुबाब है और मेरे दोनों पैर जमीन पर, तो सोच मेरा कितना रुबाब होगा। ए लड़की, चिल्ला मत बुड्ढे, नहीं तो गले की गोटी निकल के बाहर आ जाएगी। भाग कर नहीं आई हूँ, तेरा बेटा शादी करके लेकर आया है और उसका सबूत है मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। इतना काफी है या कोर्ट का लाइसेंस दिखाऊं तुझे? करे निरुआ, तोरा सामने ही हमने के अंट संट बोलतिया और तोरा मुंह में दही जामल है। अरे भगवान ने करा के यहाँ से। अरे माई, तू काहे नहीं कुछ समझत? का करता रु तू? ये घर से अकेल ना जाई, अगर ई जाई तब हमरो जाए पड़ी। हाँ तो जोर ना, जाज का है ना पड़े। रुआ शांत रही, हम बात करता नहीं ना। देख बेटा, हमार बात सुन। अरे जब भी तोरा से कोनो मतलब ही नहीं के रखा तो तोरा औलाद कैसे होगी? अरे माई, हमके औलाद ना चाहिए, हमके हमार मेहरारू चाहिए। ए बुढ़िया, सुन ली ना मेरे पति की बात, ये और कुछ सुनना बाकी है। अरे कलमुही, जब तक अपना पति की पत्नी सुखदेव न कर बे तो कौने बात का पति पति रख लगाता रहे। ये पति पत्नी के बीच का आपसी मैटर है, डोंट इंटरफेयर। अरे माटी में गल तो आपसी मैटर, हमके एक खानदान का वंश चाहिए बस। वंश का सपना देखना छोड़ दे, मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अगर हो गई तब? अगर नहीं हुआ तो अपना मुंह में करखा पोत के सारा गांव घूमब, और अगर हो गई तो तोरा मुंह में करखा पोत के सारा गांव में घुमाइब। मंजूर बात तो मिलाओ हाथ, मिलाओ। चल मंजूर है। बच्चा, एक फल का नाम ले। केला। बच्चा, एक सब्जी का नाम ले। भंटा। ए बाबा, हम यहाँ फल और सब्जी खरीदे थोड़ी है अलबानी, ये सब छोड़ी ना, हमके तो बस ये बताई कि हमार ब्याह कब होई, हम कब से इंतजार करत आनी। बस बच्चा, एक आखिरी सवाल। बच्चा, एक जानवर के नाम बता। घोड़ा। शांत बेटा, शांत। बस बच्चा, तुम्हारा शादी का संयोग चरमरा गया है। मालिक की कृपा से इसी लगन में तुम्हारा निकाह होगा। वाह बाबा, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। जा बच्चा जा। ऐसे कुमार, ऐसे कुमार। हाँ माई। अरे हमरा के तनी मुरली बाबा का दर्शन करे के हा। चला बेटा,
माई हम सुबह सुबह अंडा खा ले बानी तो मंदिर कैसे जाई। एगो काम करा, नंदुआ के साथ ही जा। अच्छा नंदुआ चल रहता ही चल। अरे माई हाँ। हम मंदिर नहीं जा सकत, हम मंदिर नहीं जा सकत। हाँ। कहे कि आज सुबह ही उठ के जब हम जमाई लेनी है ना, तेगो माछी मुंह में घुस गई रहे। अच्छा। ए, हमार पूरा दिन बर्बाद हो गई बा। हम मंदिर ना जाए, ना जाए मंदिर, ना जाए ना जाए। काबे क्यों? रउआ के तो दुन्नो बेटा भ्रष्ट हो गई ने। अगर रउआ भ्रष्ट ना होखी तो हमरा संगे मंदिर चलो। ठीक है तो चल। अरे हमरा के फटफटिया चलावे के ना आवेला, बुझलू? 4 किलोमीटर पैदल चले के बा तो चला। तो राहे देही 4 किलोमीटर पैदल चलत चलत तो हमार गोड़ ना दुखा जाई। हाँ भगवान, अगर आज हमार बाप हमरा के फटफटिया चलावे सिखौले रहत तो 3 दिन को मुस्टंडा बेटन के निहोरा ना करे के रही। अरे जौने मतारी के 3 दिन को मुस्टंडा बेटा होखे ओकरे मतारी के कोई मंदिर भी ना ले जाता। हे भगवान कैसे तोहर दर्शन करी। ए हमर नाथ काक। हाँ बेटा चलो हम लेके चलत हैं। चलबा? हाँ चलो। अच्छा देख देख ये हमार सरवन बेटा। और न तो का चाबी चाबी ला बेटा चाबी चल। ये और न तो का ला आ गई मंदिर। कहाँ गई? अपन माई के जिंदा देखल चाहता रहा, तू करा जो हम कहता नहीं। का चाहता रहा तू लोग? तोर बगल में वो मंडप लगल बा, वो मंडप में दूल्हा की जगह जाके बैठ जो। अबे हम काहे बैठ जाई वो मंडप में? आज हमार बिटवा की शादी है। अरे तो तोरे बेटा की शादी है तो अपने बेटा के बैठाओ, हम की काहे बैठे कहता रहे। अरे हुआ तो परेशानी के बात बा, हमार लड़का शहर से शादी के लिए आवत रहे, अबले नहीं आए और इधर मुहूर्त बीतल जाता और शादी के मुहूर्त बीत गए तो अगले 20 बरस लड़की के शादी के लगन नहीं थे। ऐसे लड़की वाला हमार मेहरारू के बंधक बना ले ले बा, और अगर मुहूर्त बीत जाए वो हमार मेहरारू के गोली से मार दे। खातिर जब तक हमार बिटुआ नहीं खिया तू दूल्हा बन के बैठ जो। अरे हम बैठे तो लोग के पता ना चली कि हम दूल्हा नहीं। तू होकर चिंता मत करा, वो लोग कुछ ना जान पाई है। वो कहा है कि लड़की वालन हमार बिटुआ की शक्ल ना देख ले। हाँ देखा तू लोग सही नहीं करत। अभी सही गलत सोचे के समय नहीं है, फिर कुछ समय के बाद बा तोर छटा फेरा होते हमार बिटुआ आ जाई। सुना कुछो गड़बड़ कैला तो अपन माई की जिंदगी से हाथों बैठ बे। चुप बोलिया चुप। चला माई चला चला चला। पंडित जी दूल्हा बाबू आ गए ले। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बिया करा। हाँ हाँ जल्दी जल्दी करा। हाँ हाँ फेरा लगाई जल्दी करी जल्दी करी मोर पिता जा मंगल भगवान विष्णु मंगल करवा ध्वजा मंगल पुण्य काच मंगलाय तनो हरी। आगे चली आगे चली आगे चली चली करी चली करी। हाँ जल्दी करी मंगल भगवान विष्णु मंगल करवा ध्वजा मंगल पुण्य काच मंगलाय तनो हरी। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्व पाठ के सर्व चतुर्मंगल
अरे बस जल्दी करी। हम ना, हम सिंदूरदान ना करब। जजमान रहुआ कहीं ना। हेलो रुक का गईला। तू तो कातरा लेके छा फेरा में तोर बेटा आ जाए। कहाँ रह गई? चिंता मत करा, ये सिंदूर भी हम अपन बेटे के खाते में डाल दे। अच्छा, ये कोनो राशन के बही खाता आगा कि ये खाता में से उठा के वो खाता में डाल दे। चुपचाप सिंदूर डाल। हम ना डालो। ना डाल बे। ना डाल। बाबा है तकता जीवता नहीं बेटा, बाकी आगे के जिंदगी का कोनो भरोसा ना। अरे तू बच गई लू, यहाँ फंस गई नी, चला यहाँ से। चल चल आवा, आवा, अच्छा अच्छा। अरे अकेले अकेले कहा जाता नहीं, राउर बहुरिया साथे लेके जाई। बहुरिया? कवन बहुरिया? के का बहुरिया? अरे हाई बहुरिया, राउर बहुरिया, और के कर? मान ना मान, हम तार मेहमान, ऐसा कैसे बहुरिया है? सुनी, राउर बेटा हमरा बेटी के साथे साथ एरा ले लेबा, एकरा मांग में सिंदूर डाल लेबा, मंगल सूत्र डाल लेबा, एकर सब का सबूत हमरा लगे बा। अगर हमरा बेटी के अपन बहुरिया माने से इनकार कहनी तो पूरा परिवार के जेल भेजवा दे, बुझनी? हाँ। भले जेल खटब, लेकिन हम एकरा के अपने संगे लेके ना जाए। चल बेटा चल। सुनी, अरे अरे, ब्याह के बाद अगर एगो लड़की के ओकर पति मंडप में ही छोड़ के चल जाए तो कहाँ जाए? ये दुनिया के काम हो दिखाई? कम से कम जाए से पहले हमरा के अपना हाथ से जहर दे के जाए, कहे के बाप के बिना हम ना जी पाए। ऐसे क्या कहेगी बिटिया? ऐसे क्या कहता रू? भले हमार बेटा तोरा के अपन पत्नी का दर्जा ना दे, हैं? बाकी तो हम तोरा के अपन बिटिया बना के रखब। ए माई, चल आओ, इनका बात करता है। चल अरे अरे माई बापू। उतार 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 बापू। तो खेल खेल खेल, कौन हो रहे? हाँ भैया, तार छोड़ भाई, पारस। कहाँ रे टेंगड़ा? हाँ भैया, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गई? अचानक तोरा में इतना बदलाव? बदलाव ना भैया, प्राश्चित कहा, अपना पाप के प्राश्चित भैया। पाप के प्राश्चित? अरे भैया, हम बैल आदमी भैया, बताइए अपना परिवार के गैर समझत रानी। ए भैया, अरे रहुआ जौन आग में जरत रानी भैया, वही आग में हमू जरत रानी। ए भैया, अरे वर्तमान के देख के भविष्य की चिंता में जरत रानी भैया। अब बताई ना भैया, जवन लड़की एक खानदान का खेवैया रहे, वह वंश का रैया डुबावा पे तुरंत बिया है भैया। हाँ, हम तो कहता नहीं है भैया, ने रहुआ का दूसर ब्याह करा थे। अरे हम सपोर्ट करो, छोट भाई है, रहुआ से अलग हो सकी रहे। बाबूजी, 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 ने रहुआ भैया नौकी भौजी ले आई लेन। नौकी भौजी? अरे बड़को, ये छोटको, अरे कहाँ बड़ू हो? लोगन दौरा लिया बा, आरती लिया बा, बतो एल ब्याह हो। अरे बतो का सा जात ना चली या ना चली? तू बतो तेरा अभी बैठल रहा है निमिया की डारी। बेटा पतो नहीं है, बियाह कैला हा, मांग टिकला हा, तो बेटा कुछ रसम रिवाज ना हो तो असगुन ना हो जाए। निमिया की डारी माई, सब इतना जल्दी कैसे रहे? अरे इतना जल्दी कहाँ जरूरत रह लिया मेरे? अब तू लोग के पता रह लगा कि बुझी आओ थे? नहीं ना। अरे भाई, हम रंगोली फेंके जाता नहीं, वही से हमरा हाथ में बा। अच्छा अच्छा। हाँ माँ जी, हम तो ये तो दौरा छत पर डाले जाता है नहीं हो, और ये जाता नहीं हो पूजा करे, यही से इनके हाथ में बा। हाँ। निमिया की डार माई, ये क्या है? अरे कोको कुछ नहीं रे, अरे मिठाई। मिठाई क्या? हमार पतो इन बिया पतो। अच्छा, ला नहीं लो मिठाई, खा ला ला खा। ये मिठाई कैसा? अरे अरे, वो घरे मिठाई ले आए ले ढेर दिन हो गए रहे ना, यही से किन के लिए नहीं है। हाँ। और न तका
ना खाई बा मत खा मत खा री भैया झूले ली झूलू उतरा बच्ची की झूली अरे आराम से झूली ना धीरे से रखिया मैं गोड़ ए नंदुआ गाड़ी पकड़ तो बेटा तू उतरा मैया मोरी गावेली गीतिया बेटा ए मैं गोड़ डाल के तो चला बढ़िया कहले बेटवा दूसर बिया के ले ले बहुत बढ़िया पता नहीं कि इतना मेहरारू कहां से मिल जाली हो जहां जाला एगो उठा के लिया वाला मैया मोरी गावेली गीतिया अरे वाह कितनी महान है ऋतु तेरा दिल तो समुंदर से भी ज्यादा विशाल तेरे विचार आसमान से भी ज्यादा ऊंचे त्याग और बलिदान की साक्षात मूर्ति है ऋतु जो ये जानकर इस घर में आ गई कि तुझे घर तो मिलेगा पर संसार नहीं तुझे पति तो मिलेगा लेकिन पति का प्यार नहीं तुझे मन का सुख तो मिलेगा लेकिन तन का नहीं तेरी मांग तो भरेगी लेकिन गोद नहीं तुझे यहाँ बहू बेटी चाची दीदी मामी काकी बुआ सब कहने वाला मिल जाएगा लेकिन माँ कहने वाला कोई नहीं मिलेगा ये कहा तारी के पड़ी ए बुढ़िया बताओ 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 का ही नहीं कि मैं इसकी सौतन हूँ ना ना हमार बात सुना बात सुना हाँ हाँ बताओ तानी चला अंदर चला बताओ तानी अबाई मजा ये तो पेशाब है क्या रे अरे तानी बापर अरे बापर पे काहे मुंहता तारे रे अरे नीरव भैया तू सर की भौजी ले आइल बाड़े ना ऐसे मुंह तेलस ना वो भी दुगुना अरे तई नि रहुआ जब जब भी आ करी तब तब मोर लइका मुती है का मोर ऊपर और न त का अरे रुका तनी के बताओ थी हम क्यों रे सौतन तो अभी तक यहीं पर है गई नहीं अरे हम कहे जाए ये हमार घर है हम यही से रहे और अपन संसार बसाए सुन मुहे में कर खा पतवा खातिर तैयारी कर ले ए बुढ़िया तू क्या समझती है तूने इसको पटा लिया तो तेरा हर अरमान पूरा हो जाएगा हम देवी खानदान के वंश टट्टी धुलवाई टट्टी धुलवाई जी सुहागराज हमार हा लचाए के बिराए के हमरा के चाही तब रउआ काहे लचाता नहीं अरे बकलू ले बड़ू का एकदम से उठेनिया घर में भी है ना अगर सामने होकर छाया पड़ गई ना तो बन लो काम में बिघन पड़ जाई चल हाँ जा जा लेकिन अम्मा जी हो गई गुड़ गोबर अरे समझा करा के अरे आज लजाइबू तो पूरा जिंदगी लजाते रह जाइबू गिरा दे तू इलाज शर्म की दीवार और जा समझी अरे हमरा के ना तू तू शांत रह जा जा जाना
दीदी, लागत बना कि इनके एक ही रात में हालत खराब हो गई भाई। लागत है कि देवर जी 30 साल के कसर। करिया दुखाते का कैसे कैसे भइल। बोला बोला, मजा आवत है सुनने में। कि दुम चले छोड़ इधर पलंग उधर किसी काम की नहीं है किसी का अभी भी हार मान ले पोत ले कालिक अपने मुंह पर टीचू टीचू कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा सब कुछ होगा सब कुछ अम्मा जी अरे बेटिया आई से खाली चल गलत का भल वार पर वार कर जा कौनो वार तने साना पलागी अम्मा जी जरूर लगी अवस्था अच्छा।
काहे दरवाजा बंद हो जाता? और कुछ काम हो तो हमरा के बता दी। कहे कि पंडित जी से कह ले रहे दे दी हैं। ठीक बा माई। अरे ने ना उन्हें जो हाँ 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 दिखाओ तानी रवा लाज नहीं खिला कर और ये बच्चा दिमाग खराब हो गई बा, हाँ? समझ में नहीं क्या बात? बार बार समझे लग बात भी, चल निकल बाहर, चल निकल, चल I'm not afraid to die.
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बहू के बुलाई, पूजा के समय बीतल जा रहा बा। आयल। हाँ भैया। किरण के बुलावा पूजा पे बैठे के बा। ठीक बा भैया। मुझे तैयार होने में आधा घंटा टाइम लगेगा, इंतजार करो। पंडित जी आ गए ना, लोग आ गए ना, मुहूर्त निकल जाता, अब उनके आधा घंटा क्यों बैठ के जो ही। चल चंदनिया भाई, पंडित जी पूजा शुरू करें, चल। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्य। ये बुढ़िया 2 साल से सत्यनारायण भगवान के पूजा ना करौलस, आज न जाने ऐसा का हो गई कि वो सत्यनारायण भगवान के पूजा करा रहल बाड़ी। कहीं ऐसा तो ना कि दूरों सोती में सुला करा दलस। अगर कहीं ऐसा हो गई होई तो हमने के कैल कराइल पर पानी फिर जाई। एक लफड़ मरब लफड़ा ही में कितना बिरखंडी की, रिस्क मत ले, रिस्क मत ले, निरहुआ के नपुंसक बना दे। लेकिन ना अगर ऐसा हो गई चुनिया तो याद रख, तोरा से भीख मंगवाई और हम बैठ के खाई पकड़ पकड़ कर ले। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, माता पिता की जय। जजमान अपन बड़न के आशीर्वाद ले ली। खुश रहा बेटा। खूब खुश रहा। खुश रहा, खुश सदा सुहागन रहा। अरे तू धनला पूतन पाला ए दुलहिन। ए, अरे किधर जा रही है, मेरा भी पैर छू। हम ना छुए। क्यों नहीं छुएगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अच्छा, खाली बातें में बड़का बड़ी हूँ बड़ी हूँ, बड़े बारो तो बड़नियन कामों तो करा। ए भूल गई, इस देश में दूसरी बीवी की औकात क्या होती है। मेरी दी हुई भीख की खुशियों पर ऐश करने वाली घटिया औरत मुझसे जबान लड़ाती है। अरे देखा था रे, ये करे तेरी हिम्मत बढ़ गई कि अभी हाथ छोड़ दिया। अरे आज तेरे नई की बहुरिया के मरलस, कल तेरे मतारी के मारी, परसों तेरे बाप के मारी, और तय खड़ा के खड़ी तमाशा देख। बारे भगवान कैसन कैसन दिन देखे के परोता। किरण तुहार दिमाग खराब हो गई बा, ये सब का करता रू। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ। हाँ आज तक तो ये चाय बास पूरे परिवार वालों को पुड़िया खिला रही थी, आज आपको भी खिला दी, इसीलिए आप इसके साइड ले रहे हो। देखा तू गलत के लिए बाड़ू, चुपचाप एकरा से माफी मांगा। माफी वो भी इस बच्चलन से। बहुत हो गई। चल तू नहीं जाए, लोग लोग अपने अपने घर जाए। हाँ आजकल के पतोहन का तो कुछ समझे मैंने, क्या होते हैं बहनिया कोरे 1 किलो घी 4 दिन में खत्म कर दला सन। अरे अब निरहुआ खातिर हमरा के घी भंडार घर से ले आके पड़ी भगवान। ओहो दुल्हीन दुल्हीन ला बचवा, हमारे सवेरे से कुछ होने के खेले हुआ है ना, ला आज ना खूब मन से एकदम गिरा दिया, मतलब किया दिया है ना। किया दिया है। Thank you.
अरे दुल्हन कहाँ हो गई तबीयत ठीक का कहाँ हो गई? हाँ अम्मा जी तनी उल्टी होता उल्टी होता उल्टी होता अरे बिटिया उल्टी होता अरे ऐसे कमाल कमाओ सिकुमरा नंदुआ बड़की चटकी अरे कहाँ बड़ा सन हवा हवा कहाँ है माजी आगे ने बढ़े दे देख सुन ले ना भगवान अरे जकर राम रखवैया ओकर का बिगाड़ी कोनो कसैया अब ते देख पूरा गांव बुलाइब मिठाई बांटब नाचब गाइब खुशी मनाइब तोरा के चराइब अरे पहली काम आई जो किनारम बाबा कैसे तबीज बनवा के लिया का पता है डाइन का हमरा पतो का कोख मार दे तब सही कहा तारी कुल खातिन कहेंगे चल ये तेरा कैसा न्याय है भगवान ये तेरा कैसा न्याय है जिसने इस घर को वंश देने के लिए इतनी बड़ी तपस्या की आज तूने उस तपस्या का ये फल दिया उसमें लाच लगवाया कि वो इस घर के वंश को नाश कर सकती है क्या कसूर है मेरा यही ना कि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाली हूँ यही ना कि मैं इस भयानक बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया मेरे देवता समान पति का दिल तोड़ा है मैंने मैं ऐसा नहीं करती तो क्या करती अगर मेरे पति को सच्चाई पता चल जाती तो जीते जी मर जाते लेकिन उनसे शादी कभी नहीं करते और इस घर को कभी भी वंश नहीं मिलता इस छोटी सी जिंदगी में तूने बहुत बड़ी परीक्षा ले ली भगवान अब और परीक्षा मत ले मैं एक इंसान हूँ तेरी तरह भगवान नहीं हूँ मैं तुझसे अपनी उम्र बढ़ाने की मांग नहीं कर रही हूँ वैसे बस थोड़ी सी जिंदगी की भीख दे दे भगवान ताकि मैं इस घर के वंश को देख सकूँ गले लगा सकूँ और मेरी तपस्या सफल हो जाए भगवान कैसे पता कि तोरा के कैंसर हो कैंसर मुझे नहीं तो छुपावे की कोशिश मत करा सच सच बताओ तोरा के हमार के लिए बताओ किरण बताओ हमरा अपनी सुहागरात के दिन
जब मैं सजते हुए अपने अरमानों को सजा रही थी तब मेरी सहेली सोनिया का फोन आया। हाय सोनिया। बेटा मैं डॉक्टर मकवाना बोल रहा हूँ। ओ अंकल आप। बेटी मैं तुम्हारे पापा को फोन लगा रहा था पर नॉट रिचेबल आ रहा था। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा पर मैं मजबूर हूँ बेटा। अंकल आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना। बेटी तुम्हें यूटेराइन कैंसर है। वो भी आखिरी स्टेज पर। हम चाह के भी तुम्हें नहीं बचा सकते बेटी। अंकल क्या मेरी इतनी जिंदगी बची है कि मैं माँ बन सकूं? इस जन्म में तो तुम माँ नहीं बन सकती। हेलो किरण बेटी। अंकल मेरा एक काम मानोगे? हाँ बेटी बोलो। तो आप वचन दीजिए कि इस बीमारी के बारे में हम किसी को भी नहीं बोलेंगे, पापा को भी नहीं। बहुत अभागा बानी हम, बहुत अभागा बानी। भगवान हमरा प्यार के भरम रखी। भगवान इनकर सारा दुख हमके दे दी। भगवान इनकर सारा दर्द हमके दे दी। भगवान इनकर मौत भी। ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। भगवान ने मुझे इस जन्म में सौभाग्य नहीं दिया पत्नी धर्म निभाने का, लेकिन मैं भगवान से विनती करती हूँ अगले जन्म में सौभाग्य जरूर दे दे, तन मन और लगन से आपकी सेवा कर सकूं। आपको मेरी कसम है ये बात आप किसी को नहीं बोलेंगे। अगर चांदनी को पता चला तो उसे बहुत दुख होगा, वो माँ बनने वाली है ना। मम्मी तो महलों की रानी, महलों की रानी राज महलों की रानी।
बहन जा अपने माई के गोर धैला ओकरे बाद सबके आशीर्वाद लेला आवा जा आवा ना जा माजी के पास सबके आशीर्वाद लेने की चाहिए आज तो सारा घमंड चूर चूर हो गई। अरे तोरा लाख सरपले के बाद भी भगवान हमार मुंह उजियार के देना। हमार हलबाई खानदान का वारिस तोरा अरमान पर पानी फेरे खातिर। खाली अरमाने पे पानी फेरे ना माजी, एकरा छाती पे किल्ला गाड़े खातिर। ए माई मुंह तो देख, बुझाता कि विपत पड़ल बा। विपत तो पड़बे ना करी बिटिया। अरे एकर हर जवन हो गई और हमार हमार जीत जवन हो गई। अरे माई बहन लोग, अरे माई बहन लोग हमार मुंह का देखा था नहीं है। अरे वो कर जीवनी है जो दिन रात हमारा पतों के ताना मारत रहे। थूका लोग थूका करे मुंह पे। माई का कर तर तू। अरे वाह, आज माई के बात पर तो तोहरा मुंह से बोली निकल गई। अजय ये माई की इज्जत उतारत रहे तहिया मुंह में दही चामल रहे। देखा तू लोग ही ठीक नहीं खुकरत लोग। अरे तू लोग का पता नहीं कि ए माजी देखत का बानी ली लगाई करी खाई करा के। ले जाई लगाई लगा दी। रावण जिनका मुंह में करी का पोतल चाहता नहीं, आज उनका चलते रावण मुंह जियार भइल बा अम्मा जी। एकरा चलते एकुल घातिन की चलते हमार मुंह जियार भइल बा। अरे पगला गल बड़ू का हो। ये गलत नहीं की अम्मा जी, ये तो बस गलत होके के नाटक कैली ताकि रावण बेटा दूसर ब्याह कर सके, हमरा से प्यार कर सके और ये खानदान के वंश मिले। हम तो आने के बकावा में आवा वाला नहीं की। आज तेकरा के हम करखा पोत के रहब, जैसे ही शर्म से पानी पानी होके मर जाए। अम्मा जी जे खुदे मरे वाला बाड़ी ओकरा कम से कम मरे के बद्दुआ तो मत दी। अरे ये सब झूठ सच बोल के कौन नाटक फंदा रहो। हम झूठ नहीं की बोला था अम्मा जी, दीदी के कैंसर बा। काका कैंसर। हाँ माई, और अभी बस कुछ दिन के मेहमान बा। नहीं क्यों हो सकता माई,
कुछ नहीं हो सका। हम डॉक्टर से बात कर ले बानी। अब इनके बचाव मुश्किल बा भाई। अभी अगर इनका खातिर कुछ कर सकता रहो तो इनके खुश रख लो, खुश रख लो इनके। अपने को बनाया लगे बंधन की तोड़ के कब हूँ न जय है बहु हमनी के छोड़ के कब हूँ न जय है बहु हमनी के छोड़ के कब हूँ न जय है बहु
धारा। कंधे पर ढोया तुझको कंधा यह तोड़ के, कभी भी न जाना बेटी पापा को छोड़ के, कभी भी न जाना बेटी पापा। पापा अब ऐसे रो रही हो जैसे मैं कल ही मरने वाली हूँ। जस्ट चिल, शट अप, मैं तो साल साल जीऊंगी। मेरी अच्छी बेटी। गले पापा। मेरी प्यारी बेटी। झूठे पापा। मेरी सुंदर बेटी। टकले पापा। पापा। बेटी। हम ना सुते, ओकनी के जहर दे के सुते। गिरधारी यादव के घर के अगर मरघट ना बनवनी ना तो हमारा नाम टेंगड़ा यादव ना, टेंगड़ा यादव। अरे चुप करा। अरे तोहर विनाश काले विपरीत बुद्धि का लगा। चुप। अरे अभी नू घर में ना दवा खाने बिया। हर केहू ओकरा आगे पीछे घूम रहल बा। कुछ दिन बीत जाएगा, सब खुला हो जाई। ओकरा बाद हम मौका मिलते ही विनाश कर देव, वंश के नाश कर देव। मैडम, मैडम, मैडम आपके पति ब्लड लेने के लिए बाहर गए। ये दवाई आप मेडिकल स्टोर से ले आइए। कहाँ बारे? मौका देके कहाँ बा? देखा ठीक से। आज अगर वो मिल गई ना, तो निराहुआ के वंश का अंत यही अस्पताल में हुई। हाँ, हाँ। कहाँ गया रे? खोजा ठीक से। कहाँ गया लू? आज तू बच के कहाँ जाइबू? उड़ा दे रे।
क्या नहीं उठा? लावे ना हंसावे अगले फिल्म में, तब तक टाटा बाय बाय। जाने क्या जादू किया अब मोरा झूमे जिया, जाने क्या जादू किया अब मोरा झूमे जिया, दिल बोले पिया 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 पिया।
बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू, बतावा जान कौना बदरी में छिपल